दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिंडिकेट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है, साथ साथ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर। अभी देखिए एनसीटी का जवाब आया तो एनसीटी ने इसमें क्या जवाब दिया इसको लेकर बात करेंगे, और यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर अभी देखेंगे न्यूज़पेपर में कटिंग निकली गई है कि जस्ट चुनाव के बाद यूपी में शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो इसमें क्या एनआईएस डीलेट को शामिल किया जाएगा, ये मुद्दा मेन है। और आप जानेंगे क्योंकि बीएड को तो पीआरटी से बाहर कर दिया गया, तो बीएड का तो कोई बात नहीं, लेकिन एनआईएस डीलेट का मुद्दा भी तेज़ी से गरमाया हुआ है। क्या एनआईएस डीलेट को बीएड में शामिल किया देखेंगे। आई रिक्वेस्टेड डायरेक्ट बाय द एनआईएस डीलेट 28/8/2019 सब्जेक्टेड टू द रिस्पॉन्डेंट ऑफ द एनआईएस डीलेट, मतलब इसमें वही चीज़ें हैं जो गजट को लेकर एनसीटी ने जवाब दिया था कि भाई हमने ओडीएल माध्यम से सारी चीज़ें करा दी, लेकिन जो भी है ये सारी चीज़ें कराई गई वो एनआईएस कराया गया। तो मतलब आप देखेंगे एज द पर एनसीटी नोटिस द 23/8/2010 के जो बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर कैसे कैसे चीज़ें की गई थी उसको लेके नोटिस था। साथ साथ ये भी कहा गया कि एनआईएस भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को लेकर जो चीज़ें जो उनका मेन बात था कम आप देखेंगे सर्कुलम सर्कुलेशन ऑफ सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द डीएलएड ओडीएल क्वालिफिकेशन ऑफ एनआईएस, तो एनआईएस को क्या शामिल किया जाए या ना किया जाए मेन मुद्दा ये है। तो आप देखेंगे कई जगह तो अभी तक शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सिर्फ अभी असम में एनआईएस डीएलएड को शामिल किया गया, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी शामिल किया जाएगा नहीं आप देखेंगे। चुनाव बाद शिक्षक भर्ती का आज तैयार होगा खाका, लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है, उद्देश्य बुधवार को शिक्षा विभाग के सेवा चयन आयोग की बैठक हुई थी। आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा चयन आयोग का गठन भी हो चुका है और यहां पर भर्ती आने वाली है। इसके परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों जो न्यूज़ चैनल वाले उनसे भी आयोग के अध्यक्ष से पूछा गया था, सर अभी जो विवाद चल रहा है क्या एनआईएस डीलेट के विवाद को भी इसमें जो एनआईएस डीलेट के हैं जो विद्यार्थी हैं क्या इनको पीआरटी में शामिल किया जाएगा, उन्होंने उसमें कोई जवाब नहीं दिया। भाई जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा या जो रूल्स होगा उसी आधार बनाया जाएगा, लेकिन अब नई शिक्षक भर्ती में क्या यूपी में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ये मुद्दा बन रहा है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि हम शामिल नहीं करेंगे, इसमें कहा गया है कि जो चीज़ें जैसे कि जिस पर 2020 के जो 20 की शिक्षा नीति के आधार पर जो चीज़ें सूचीबद्ध होंगी या जो एनसीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा वो उसको हम आधार को फॉलो करते हुए नई शिक्षक भर्ती में वरीयता देंगे या उनको योग्यता निर्धारित की जाएगी। तो आज ये तो सारी चीज़ें देखिए भाई बीएड वालों को 6 से 12 तक और डीएलएड वालों को 1 से 5 तक और जो टेट सुपर टेट ये सारे पास है ये सारी चीज़ें हम रखेंगे, तो उससे पहले क्या यूपी टेट कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा इसमें भी अभी संशय बना हुआ है। अब देखिए जैसा भी नोटिस आता है, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई जैसा ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा या एनआईएस डीलेट को शामिल करना रहेगा वो जो नोटिस आएगा तो हम डिसाइड करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि एनसीटी ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, जो विद्यार्थी बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि एनसीटी इसमें कुछ करे, अगर एनसीटी चाहेगा तो बिल्कुल वैलिड हो जाएगा, लेकिन मेन मुद्दा एनसीटी है। अब सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सरकार की संस्था है, तो एनसीटी अगर चाहेगा तो हम लोग वैलिड होंगे और सभी विद्यार्थी शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। खबर यही थी, वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती बल की अपडेट चैनल सब्सक्राइब मिलते हैं।